गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नूं क्योंकि जुल्म दे खातर तलवार चुकनी पई, जद जालमां दा ज्यादा जोर पिया सी, आप नूं अपना रहायशगा किला छड्डना पिया सीगा। उस वक्त जिहड़ी लंगर दी सेवा सीगी प्रेमी लोगां दी, ओह नाल तां चुक नहीं सकदे सन क्योंकि उहनां वक्तां दे विच चांदी दे रुपए हुंदे सीगे, और वो चांदी इतनी सारी चुकनी बड़ी मुश्किल सीगी। आपने किसे नूं भी ओह किसे सिख नूं नहीं खाण वास्ते दित्ते और उस तो फायदा उठाने वास्ते, बल्कि उत्थे एक दरिया नाल दी जांदा सीगा, उस दरिया दे विच जदों सिटण लगे कुछ सिखां ने जिन्हां नूं बेचारियां नूं पता नहीं सीगा कि सेवा खाणी चंगी है जां मंदी हुंदी है, उहनां ने जाके माता गुजरी कोले, गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोले बेनती कीती कि बड़े सिख महताज है, उहनां नूं दित्ते जाण। गुरु साहिब एवें दरियाए सिटी जांदे है। माता आई, कहिण लगी, लाल तू इस माया नूं सिटी क्यों जाना है, तेरे सिख बड़े गरीब है, उहनां नूं दे दे। वो कहन लग्या, मैं तेरा बेटा है, तू मैनू लाल कहनी है, सब तो पहला तू मैनू यह हिरदे और मैं खा लवां, अगर तू मैनू माँ बन के मैनू यह नहीं दिंदी, ये जेड़े सिख है ये भी मेरे लाल है, प्यारे बच्चे है, मैं इन्हां नू यह किवें दे देवां, ये लंगर दी जेड़ी सेवा है ये जे तक कम करते रहनगे तो इन्हां वास्ते ये इन्हां दे फायदेमंद है, अगर ये वेले खाणगे तो इन्हां दे यह दा कम करेगी। इस वास्ते संत सतगुरु कदे भी सेवक नूं आग्या नहीं दिंदे कि तुसीं वेले बह के आराम दे नाल लोक सेवा पाउण, तुसीं उस नूं खाओ। वो कहिंदे नहीं भाई, लंगर दे विचों उसे हालत च तुसीं फुलका खा सकदे हो अगर उत्थे सेवा करदे हो, भजन सिमरन करदे हो। इस वास्ते नहीं तां जिन्हां दा तुसीं खाओगे, क्यों खाओगे, उहनां नूं तुहाडा भजन जाएगा और उहनां दीआं जिहड़ीआं बीमारियां है वो तुहानूं मिलणगियां। इस वास्ते महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी, अमीर लोक पा जांदे ऐ, गरीब लंगर दे विचों खा जांदे ऐ, महात्मा उहदे विचों कदे भी अपने अपने जाति खर्च वास्ते इक पाई वरतन वास्ते तैयार नहीं हुंदे गे। प्यारे बच्चों, जो उस कहानी अभी बाबा जी की, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहानी का मकसद बताना कि बिना सेवा किए लंगर खाना जहर है। अगर हम सेवा नहीं करते और भजन अभ्यास नहीं करते, सत्संग में हाजिरी नहीं लगाते, तो अगर हम फ्री में लंगर खाते तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। इस कहानी में बाबा जी ने बताया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को जुल्म की खातिर तलवार उठानी पड़ी। उस टाइम उनको काफी लड़ाई वगैरह लड़नी पड़ी। एक समय ऐसा है कि दुश्मनों के कारण गुरु गोविंद सिंह जी को अपने खिलाफ पड़ा। वे अपने के लिए सेवा में दिया हुआ धन नहीं ले जा सकते थे। क्यों उस वक्त? क्योंकि उस वक्त जो करंसी थी, रुपए पैसे थे, वो चांदी के थे और ज्यादा चांदी उठा के ले जाना मुश्किल था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी सिख को भी इस्तेमाल करने के लिए वह चांदी नहीं दी, बल्कि पास में एक नदी बह रही थी वहां फेंकने लगे। तो कुछ सिख जिनको पता नहीं था कि लंगर की सेवा खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, उन्होंने माता गुजरी जी के पास जाकर विनती की कि गोविंद सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को आप समझाइए कि वो सिक्के नदी में फेंक रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सिख हैं जो शिष्य हैं भी गरीब हैं, उनको दे सकते हैं, नदी में क्यों फेंक रहे हैं। तो माता जी ने गुरु गोविंद सिंह के पास जाकर उनको कहा कि मेरे लाल, मेरे बेटे, जैसे लाल प्यार से बच्चे को बोलते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बोला कि तू इस माया को फेंक क्यों रहे हो, तुम्हारे सिख बहुत गरीब है, उन्हें दे दो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे लाल कहती हैं, सबसे पहले आप मुझे जहर दो, मैं खा लूं। अगर आप माँ बनकर मुझे जहर नहीं दे सकती तो जो मेरे शिष्य हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें जहर कैसे दे सकता हूँ। ये लंगर की सेवा है, अगर ये लंगर में सेवा करते हैं तो इनके फायदेमंद है, अगर ये सेवा बिना सेवा के खाएंगे तो इनके लिए जहर का काम करेगी। इसलिए संत सतगुरु कभी भी अपने सेवकों को इजाजत नहीं देते कि बिना सेवा किए आराम से बैठकर खाएं, लोग उनकी सेवा करें। आप लंगर से खाना तभी खा सकते हैं जब आप सेवा करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, नहीं तो आप जिनका खाएंगे आपका भजन अभ्यास उनके पास चला जाएगा और जो उनकी बीमारियां हैं वो आपको मिलेंगी। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि अमीर लोग लंगर में सेवा डाल जाते हैं और गरीब लोग खा जाते हैं। महात्मा इसमें से अपने निजी खर्च के लिए कृपया भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सेवा कई प्रकार की होती है।
जब भी जैसे संगत यहाँ आश्रम में आती है या कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे प्रेमी लंगर बनाते हैं, बर्तन धोते हैं और साफ सफाई करते हैं, सत्संग का जगह का इंतजाम करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हैं जो प्रेमी करते हैं। भजन अभ्यास भी एक प्रकार की सेवा है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जितना हम कर सकते हैं भजन से जरूर करना चाहिए, तभी लंगर खाना चाहिए। जब हम बिना सेवा किए लंगर खाते हैं, हमारे भजन सिमरण का हिस्सा सेवादारों को मिलता है। इसलिए हमें अपने गुरु के अनुसार हमेशा सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि ये कहानियाँ एक तरीका है संतों का हमें समझाने के लिए। बाबा जी ने हमेशा कहा हमारे लिए भी, जैसे हम आश्रम में हमें अपने महान गुरु ने अपने साथ रखा और रहने का मौका दिया, वो कभी भी ऐसा प्रसाद जिसके उन्होंने किसी न किसी रूप में प्यार ना दिया हो, शगन ना दिया हो, वो हमें नहीं दिया करते थे। कोई भी प्रसाद ऐसा था, सबको एक एक पीस जैसा बांट के देने की बात ही है एज ए प्रसाद, क्योंकि वो महापुरुष के, महान गुरु के हाथों से प्रसाद बना हुआ था। फिर भी वो हमें, ये नहीं था कि कुछ अच्छी मिठाई है या कुछ अच्छी चीजें आई तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, जो हम सदस्य रहते थे उनके लिए रखते थे, कभी भी उन्होंने नहीं किया ऐसा। और हमें भी यही समझाया था कि अगर आप बेटे आप शगन नहीं देते हैं या कुछ आपने उनके लिए नहीं किया तो आप वो प्रसाद अपने हिस्से का एक एक पीस ले लीजिए। बाकी आज भी हम कोशिश करते हैं कि आधा प्रसाद, आधे से ज्यादा प्रसाद प्रेमियों को उनके घर ले जाने के लिए देते हैं, वो अपने घरों में गुरु का प्रसाद बांटे फ्री में। हमें सिखाया नहीं खाना, इसी तरीके से सेवा का जो सिस्टम महान गुरुओं ने चलाया, आज भी प्रेमी जिस तरीके से बाबा जी के कहन सेवा करते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ लंगर में आज भी आती है प्रेमी लेके आते हैं, कोई दाल, कोई चाय, कोई कुछ भी ऐसी, वो संगत में ही कंज्यूम करने की कोशिश रहती है। इसलिए जो चीज़ हमारे महान गुरु ने हमें सिखाई है, ये उदाहरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार यहाँ एक दो बार अनाउंसमेंट भी करना पड़ी कि कुछ प्रेमी आते हैं और वो लंगर जितने सदस्य हैं अपने परिवार के लोगों के लिए यहाँ से लेके जाते थे, और बाबा जी के अनुसार अनाउंसमेंट किया कि अगर आप इस तरीके से लंगर लेके जाते हैं तो वो जहर है। आज भी संगत यहाँ से वापस जाती है अपने घर में प्रसाद माफक चीजें लेके जाती है, वो उनका हक है, वो प्रसाद है। और बाबा जी ने बहुत बार कहा है कि ऐसे प्रसाद कई बार बीमार लोगों का बहुत फायदा करते हैं, उनके उन्होंने दवाई से भी ज्यादा काम करते हैं। इसलिए महान गुरुओं के जो सिस्टम बनाए उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा ही फायदा है। जब भी आप, मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की, हर एक प्रेमी को ये कहने की कोशिश की है कि आप जब भी आश्रम आते हैं कोई भी सेवा जरूर करें। बाबा ने हमेशा कहा कि सेवा कैश पेमेंट है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं सेवा के बारे में। इसलिए हालांकि बाबा जी की दया से हम लोग बहुत तरीकों से बचे हुए, हमारे महान गुरु ने वो हर एक चीज हमें सिखाई है, ये करना है ये नहीं करना है। हमारे लिए बहुत उदाहरण बाबा जी ने दे रखे हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने महान गुरु के अनुसार अपनी जिंदगी ढालें जितना हो सके। जब भी आश्रम आते ही कहा जाता है कि आपका मकसद याद रखें, सत्संग सेवा और भजन अभ्यास के अलावा कोई बात नहीं करें, उसी चीज़ को हम करने की कोशिश करें।